हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सब। सो फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स आई एम बैक। और भाई पिछले ये 3 महीने इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल थे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। बट आई नो कि पूरी दुनिया में मैं अकेले तो एग्जाम दे नहीं रहा था। तो मेरे फेलो ब्रदर्स, अब जब सबके एग्जाम खत्म हो ही चुके हैं, तो अब सबका मूड रिफ्रेश करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट और कुछ गजब के रोमांस एनिमे के बारे में, जिसे देख के तुम्हें मजे ही आ जाएंगे। तो सीधा एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 10 पे है माई स्वीट टायरेंट। वेल, दिस इज द फर्स्ट एनिमे आई हैव सीन जहां मेन कैरेक्टर यानी अपना मेन बॉय सुंदरे है। और यू नो सुंदरे कैरेक्टर डोंट एक्चुअली शो देयर लव, और वो लाइक हमेशा कहते हैं कि जाके मर जा, आई डोंट केयर अबाउट यू, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड रहता है उनका। पर भाई इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और उसकी गर्लफ्रेंड है एनिमे के स्टार्ट से ही, बट वो उसके सामने कुछ ओवर अफेक्शन शो ना करते जिससे उसकी गर्लफ्रेंड क्रीप आउट हो जाए, वो उसकी बेइज्जती करता रहता है। बट इन रियलिटी वो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। लाइक जब तुम ये एनिमे देखोगे, उसकी हरकत देख के तुम्हें समझ आ जाएगा। और भाई हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड, शी इज सो क्यूट, लाइक सो क्यूट। और ऐसी क्यूट लड़की आई डोंट थिंक असली में एग्जिस्ट करती है। या दैट्स व्हाई शी इज एन एनिमे। खैर, साइड कैरेक्टर जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त और बहन है, और वो दोनों भी बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर हैं। एंड इस एनिमे का एक एपिसोड बस 3 मिनट का है, और इसके टोटल 25 एपिसोड हैं, तो काफी छोटा एनिमे है। सो इफ यू आर अ बिजी पर्सन, तुम इसे 1 घंटे में बिंज वॉच कर सकते हो। खैर, मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने मेन कैरेक्टर और मेन गर्ल का तो नाम बताया ही नहीं, और आई डोंट थिंक नाउ इट मैटर्स। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट एनिमे। तो नंबर 9 पे है साइरेन। एंड मुझे ये एनिमे देखे बहुत टाइम हो चुका है, एंड द ओनली थिंग आई रिमेंबर अबाउट दिस एनिमे कि इसकी एंडिंग बहुत गजब है एंड काफी रियल सी है। तो इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है शोइची कामिता, जिसे कुछ टाइम में यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है जस्ट लाइक मी। बट उसकी लाइफ में है 3 लड़कियां अनलाइक मी। फर्स्ट गर्ल इज हिकारी सुनेकी, जो शोइची को टीज करती है, बट यू नो डीप इनसाइड शी हैज अ सॉफ्ट हार्ट। सेकंड गर्ल है तोरू मियामे, जो एक गेमर है, एंड शी हैज अ प्रॉब्लम कि वो लोगों से बात नहीं कर पाती। थर्ड गर्ल है लेजेंडरी चाइल्डहुड फ्रेंड क्योको तोनो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई हमें तो पता लग गया है चाइल्डहुड फ्रेंड तो भाई अकेली रह जाएगी, बट ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। इस एनिमे में 3 आर्क और हर आर्क 4 एपिसोड की है, तो टोटल इस एनिमे में 12 एपिसोड है। तो एवरी गर्ल हैज अ सेपरेट रूट, तो व्हाट एवर यू लाइक तुम्हें वो देखने को मिल ही जाएगा। तो नंबर 8 पे है बोर्डिंग स्कूल जूलियट, जो पर्सनली मेरे फेवरेट रोमांस एनिमे में से एक है, और मुझे नहीं पता यार ये इतना ज्यादा अंडररेटेड क्यों है। तो इसका प्लॉट ये है कि दालिया एकेडमी, जहां 2 ग्रुप हैं, ब्लैक डॉगीज जिसका लीडर है रोमियो इनुजाका, और व्हाइट कैट जिसकी लीडर है जूलियट बर्शिया, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन है एंड दे हेट ईच अदर। बट रोमियो एंड जूलियट आर इन लव विद ईच अदर। बट अगर ये इनके ग्रुप वालों को पता चल गया तो इससे हो जाएगी लड़ाई, ऊपर से उन्हें ये धोखा भी लगेगा। तो जैसे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास के बहाने लड़की सुरेश के घर निकल जाती है, वैसे ये दोनों भी एक दूसरे से सीक्रेटली मिलते हैं। एंड इस एनिमे के साइड कैरेक्टर आर ग्रेट, कॉमेडी इज ग्रेट, ओवरऑल द एनिमे इज ग्रेट। भाई मेरे फेवरेट एनिमे में से एक है, तो सीधा जाके देख लो। एंड हाँ, इसका एक ही सीजन है विद 12 एपिसोड्स। तो नंबर 7 पे है स्नो व्हाइट विद रेड हेयर। नहीं, ये डिज्नी वाले का रिप ऑफ नहीं है। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट रोमकॉम, हमारे दिमाग में हमेशा हाई स्कूल एनिमे ही आता है, बट कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई कर लेना चाहिए। सो हियर इट इज, बट आई विल स्टिल से दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो इसका प्लॉट ये है कि शिरायुकी, जो एक हर्बल शॉप पे काम करती है, एंड हु हैज रेड हेयर, रेड हेयर्स काफी अनयूजुअल होते हैं, तो वो बहुत पॉपुलर होती है, और उस पर नजर पड़ जाती है उसके किंगडम के प्रिंस की, जो है प्रिंस राजी, और वो उसे बनाना चाहता है अपनी काइंड ऑफ वाइफ। बट ऑफ कोर्स शिरायुकी नहीं बनना चाहती, और शिरायुकी के मना कर देने पे वो सोल्जर भेज देता है। लेकिन शिरायुकी अपने बाल काट के किंगडम छोड़ के चली जाती है फॉरेस्ट में, जहां उसे मिलता है जेन विस्तालिया, जो है सेकंड प्रिंस ऑफ कलर, जो उसकी नेबरहुड कंट्री है। अब बिकॉज जेन ने उसकी मदद करी होती है, उसका एहसान चुकाने के लिए वो उसकी कंट्री में एक कोर्ट हर्बलिस्ट की तरह काम करना चाहती है, और इससे वो प्रिंस राजी से भी बच जाएगी। बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जेन और शिरायुकी क्लोज होने लगते हैं। द लास्ट फ्यू एपिसोड ऑफ दिस एनिमे इज वेरी गुड। और ये एक शोजो एनिमे है, यानी द मेन कैरेक्टर इज शिरायुकी। आई नो हो सकता है तुम्हें इसका प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, बट अगर तुम कुछ अलग सा ट्राई करना है तो तुम इसे देख सकते हो। बट स्टिल इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इसके 2 सीजन है विद 12 एपिसोड ईच। नंबर 6 पे है ओरेशूरा। अगर तुम एक बहुत चला एनिमे देखना है, सो इट्स अ ग्रेट एनिमे टू वॉच। अगेन, इसके बारे में मैंने लोगों को इतना बात करते हुए नहीं देखा है। इसका प्लॉट, खैर उससे पहले एक चीज इमेजिन करो। आई डोंट नो यार, तुम अभी स्कूल में हो या कॉलेज में, पर तुम्हारे कॉलेज या स्कूल में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की होगी जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और पॉपुलर भी है, एंड एवरी गाय हैज अ क्रश ऑन हर। और मान लो तुम वो लड़के हो जिसे पता है कि भाई ये लड़की तो मेरी रीच के बाहर है, तो मैं पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ। बट क्या हो अगर वो लड़की खुद आके तुम्हें बोले टू बी हर बॉयफ्रेंड? दैट्स एग्जैक्टली इज द प्लॉट ऑफ दिस एनिमे। एता किडो, जिसकी जिंदगी है झंड, उसके स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल आती है एंड उसे कहती है टू बी हर बॉयफ्रेंड, जिससे बाकी लड़के उसे परेशान ना करे, पर अपना मेन कैरेक्टर है सख्त लौंडा, वो कर देता है मना। पर ये लड़की जिसका नाम है मासुजू नासुकावा, वो उसे करती है ब्लैकमेल एंड फोर्स हर टू बी हिज बॉयफ्रेंड, एंड बूम, द नेक्स्ट डे द होल स्कूल हेट्स आवर मेन कैरेक्टर। वेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आ जाऊंगा इसकी जगह। और यहाँ से ये तो की लाइफ हो जाती है बिल्कुल चेंज, न्यू ट्रबल न्यू लाइफ। इस एनिमे के साइड कैरेक्टर भी बढ़िया है, इसका एक ही सीजन है विद 12 एपिसोड्स। नंबर 5 पे है एंड यू थॉट देयर इज नेवर अ गर्ल ऑनलाइन। वेल, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता, क्योंकि आई नो तुमने ये एनिमे देखा हुआ है, क्योंकि ये एनिमे यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बट कुछ लोगों ने तो नहीं देखा होगा। रोमांस से ज्यादा इस एनिमे की कॉमेडी मस्त है, और सारे कैरेक्टर भी मस्त हैं। और अगर तुम गेमिंग करते हो तो यू विल श्योरली लाइक इट। मैंने ये एनिमे देखने के बाद इस एनिमे जैसी गेम डाउनलोड करने की सोची, पर मुझे यार ऐसी गेम नहीं मिली, अगर तुम्हें मिले तो मुझे जरूर बताना। खैर, इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है हिडेकी, जो एक ओटाकू है, और वही जापान में ओटाकू यानी दुनिया का सबसे लोनर इंसान, तो उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है और वो खेलता है गेम। तो करंट स्टोरी से 3 साल पहले हिडेकी ने एक ऑनलाइन गेम में एक लड़की को प्रपोज करा, और उस लड़की ने उसे कर दिया रिजेक्ट, और उसके बाद उसे एक और शौक दिया कि मैं तो लड़का हूँ।
हिडेकी ने उसके बाद से सोच लिया कि ये दुनिया एंजल प्रिया से भरी है एंड नाउ ही डजंट बिलीव की लड़कियां भी ऑनलाइन आती है। बट नाउ इन प्रेजेंट उसी गेम में एक लड़की हिडेकी को प्रपोज कर देती है और वो उसे हाँ कर देता है ये सोच के कि असली में तो गर्लफ्रेंड है नहीं, गेम में ही बना लेता हूँ। बट एक दिन उसकी स्क्वाड प्लान बनाती है कि क्यों ना हम सब रियल लाइफ में एक जगह पे मिले, एक जगह डिसाइड करते हैं एंड बूम ये तो असली लड़की है, ऊपर से उसकी क्लासमेट है, तो इमेजिन ही तुम्हारे साथ रियल में हो गया तो यार मस्ट बी एम्बैरेसिंग। पर यहाँ नहीं, एनीमे ये बहुत ज्यादा ही फनी है और अगर तुमने नहीं देखा तो इसे जरूर देखना, इसका एक ही सीजन है विद 12 एपिसोड्स। नंबर 4 पे है स्पाइस एंड वुल्फ। वेल इस एनीमे के बारे तो मैंने कभी भी नहीं सुना था बट ये बहुत सही एनीमे है। इस एनीमे में मेनली तुम्हें दो चीजें देखने को मिलेगी, रोमांस और बिजनेस। अगर तुम्हारे बिजनेस वाला माइंडसेट है तो जाके ये एनीमे देखो। द वाइफ हू इज गोल्ड, नहीं भाई मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रीशियस है इसलिए बोल रहा हूँ। एंड आई थिंक पावर की वॉइस इसी से इंस्पायर्ड है। तो इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन करेक्टर है लॉरेंस क्राफ्ट जो एक मर्चेंट है और ट्रेडिंग करता है। बट यहाँ से लेंगे हम पॉज और बात करेंगे होलो की जो एक वुल्फ डियरिटी है जो अच्छी क्रॉप के लिए जिम्मेदार है। बट लोगों ने नए नए मेथड निकाल लिए हैं जिस वजह से होलो को लोग अब बस एक कहानी मानते हैं। तो लॉरेंस इसी विलेज में आता है और रात को ही फाउंड अ गर्ल इन हिज वैगन जो कहती है कि वो होलो है और वो उसके साथ बिजनेस में मदद कर सकती है अगर वो उसे नॉर्थन ऑफ योइसु ले जाए। लॉरेंस मान जाता है क्योंकि होलो इज रियली स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस यू नो व्हाट विल हैपन, इसलिए तुम ये देख रहे हो। अगेन दिस इज नॉट अ नॉर्मल हाई स्कूल रोमकॉम एनीमे, एक एडवेंचर एनीमे है और मुझे एडवेंचर एनीमे बहुत पसंद है। इसके दो सीजन है विद 13 एपिसोड और एक ओवीए, सो यू कैन वॉच इट। नंबर 3 पे है तोमोचा इज अ गर्ल जो कि एक नया एनीमे है और अगर तुम इस सीजन को फॉलो कर रहे थे तो शायद तुमने ये एनीमे देखा भी हो। और टॉम बॉय टाइप का एनीमे मैंने लाइफ में पहली बार देखा है एंड आई रियली लाइक इट। और इसकी एंडिंग भी काफी बढ़िया थी। इसके सिर्फ 13 एपिसोड हैं, तो इसका प्लॉट ये है कि तोमा इजावा और जूनिचिरो चाइल्डहुड फ्रेंड है जो हर चीज साथ में करते हैं। तोमो के डैड का डोजो है और वो मार्शल आर्टिस्ट हैं। तोमो और जून बचपन से वहाँ पे ट्रेनिंग भी करते हैं। अब तोमो एक टॉमबॉय है बट शी लव्स जून और जून मानता है टॉम को अपना भाई। हाँ तुमने सही सुना, वो लड़की को अपना भाई मानता है क्योंकि वो एक टॉमबॉय होती है, मतलब ही नो शी इज अ गर्ल बट वो ऐसे एक्ट नहीं करता। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में टोमो कन्फेसेस हर लव टू जून बट जून कहता है ये तो अपना भाई है यार, सो आई लव यू टू। अब टोमो हो जाती है परेशान, उसे लगता है कि जून को पटाने के लिए कुछ करना होगा, अपनी फीमेल साइड दिखानी होगी। सो टू नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर तुम्हें ये एनीमे देखना होगा और भाई पे भरोसा करो, दिस इज अ गुड एनीमे सो इसे ट्राई जरूर करना। नंबर 2 पे है लव जूनियर एंड अदर डेल्यूजंस। तुमने ये एनीमे देखा हो या ना देखा हो पर इसके GIF और मीम तो जरूर देखे होंगे। इस एनीमे के 4 सीजन है, इसका मतलब इस एनीमे की डिमांड तो है पर इसके फैन है कहां भाई। मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं देखा इसके बारे में बात करते हुए, पर तुम्हें अभी एनीमे देखना होगा क्योंकि इस एनीमे को देख के तुमको तुम्हारे बचपन की याद आ जाएगी। यू नो बचपन में हम सभी कैरेक्टर प्ले करते थे, लाइक अपनी खुद की गेम्स बना लेना, जैसे कि भाई मैं गोकू, मेरा दोस्त वेजिटा, दूसरा दोस्त विलन और फिर कामयामया। एग्जैक्टली यही होता है इस एनीमे में। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सभी के एज के बाद ये सब करना छोड़ देते हैं बट ये लोग नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर है यूता तोगाची जिसने अपने मिडिल स्कूल में यही सब हरकतें की थी और वो अपने आप को डार्क फ्लेम मास्टर बुलाता था। बट नाउ अब वो बड़ा हो चुका है तो वो ये सोच के कि मैं पहले क्या करता था एम्बेरस फील करता है और वो सोच लेता है कि अब हाई स्कूल में तो भाई मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। बट लिटिल डिड ही नो कि उसकी क्लास में आ जाती है एक न्यू गर्ल रिका ताकानाशी जो इसी चीज यानी चुनिबियो यानी 8th ग्रेड सिंड्रोम का शिकार होती है, यानी वही चीज यार मतलब बच्चों वाला गेम। और वो कर देती है डिक्लेयर कि मेरे पास है सुपर पावर्स और हमारे मेन कैरेक्टर की फटके हदस हो जाती है कि भाई ये क्या आ गया वापस जिंदगी में। तो ये प्लॉट सुनके तुम्हारे दो रिएक्शन होंगे, पहला कि भाई वो क्या चीज है भाई, कुछ अलग सा है, इसे देखना चाहिए, या फिर ये का बवासीर बना दिया हो। बट तुमने कुछ भी सोचा हो दिस इज अ फन एनिमे टू वॉच तो देखो। तो फाइनली नंबर 1 पे है वी नेवर लर्न, अ कंप्लीट पैकेज ऑफ रोमांस एनिमे विद हैरम, बट इसमें है डिफरेंट रूट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बढ़िया है, बेशक वो तुम्हें दिखने में नर्ड लगे बट ही इज एक्चुअली गुड। तो इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है नारियुकी जो 3rd ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है, जो है गरीब पर वो है पढ़ाकू, दिन भर करता है मेहनत जिससे उसे मिल जाए VIP नॉमिनेशन और उसकी कॉलेज और ट्यूशन फी कवर हो जाए। और उसे ये मिल भी जाता है बट ऑन अ कंडीशन कि उसे 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा जो तीनों लड़कियां हैं। हाँ भाई इससे हम सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं हुए। वो 3 स्टूडेंट्स हैं, रिजो ओगाता जो पढ़ना चाहती है ह्यूमैनिटीज, फुमिनो जो पढ़ना चाहती है साइंस और अपने मेन कैरेक्टर की चाइल्डहुड फ्रेंड उरुका ताकेमोतो जो मेरे लिए बेस्ट गर्ल है इस एनीमे में, उसे सब सीखना है। बाकी दोनों स्मार्ट हैं, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट दे वांट टू लर्न। अब देखो यार पढ़ाई तो होगी पर पढ़ाई के बीच में क्या होगा हमें वही देखना है। और मेरी मानो ये एनीमे देखो, इसके 2 सीजन है, 12 एपिसोड और 2 ओवीए। मे बी मैंने प्लॉट अच्छे से एक्सप्लेन ना करा हो और तुम्हें इतना इंटरेस्ट ना आया हो, फिर ये एनीमे मस्त है और जो भी गर्ल तुम्हें बेस्ट लगे तुम उसकी मांगा रूट भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, यहीं पे लिस्ट खत्म होती है। थंबनेल में साइंस वाले लव सो आई ट्राई टू प्रूव इट भी है बट मैंने उसे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा क्योंकि मैंने वो एनीमे देखा और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सो यू कैन ट्राई इट अगर तुम्हारा मन करे तो। तो भाई काफी टाइम बाद आया हूं तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर वो रोमकॉम एनीमे की तलाश में है। तो चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सायनारा, बाय।